आखिर क्यों दर्शकों को लुभा रही है फिल्म KGF? क्यों दर्शक इतना ज्यादा उत्साहित होकर फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं? क्या हिंदी बेल्ट, क्या कन्नड़ा बेल्ट, क्या तमिल, क्या तेलुगु? हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, वो है KGF, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो आइए आज इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा कि क्यों दर्शक पसंद कर रहे हैं KGF। आपको तो पता ही है कि मैं दर्शकों के बीच में जाता हूं, जहां पर उनके रिव्यूज लेता हूं, उनके सजेशंस, उनके कमेंट्स, सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ऐसे में जब मैं दर्शकों के बीच में पहुंचा और उनसे जाना कि क्यों उन्हें पसंद आ रही है KGF, तो दर्शकों का सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम यूनिक है। आज तक हिंदी सिनेमा कह लीजिए या साउथ सिनेमा कह लीजिए या बंगला सिनेमा कह लीजिए, कहीं भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं नजर आता है, जो कि एकदम फ्रेश है। और फ्रेश चीज तो दर्शकों को पसंद आती ही आती है। ऐसे में इसलिए दर्शक पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अनयूजुअल है, फ्रेश है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दर्शकों ने मुझे बताया कि फिल्म का डायरेक्शन बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करूं इस फिल्म के और डायरेक्ट किया है मिस्टर प्रशांत नील ने, और उन्होंने सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से पिरोया है। फिल्म को इतना ज्यादा टाइट बनाया उन्होंने कि आप आंखें झपका ही नहीं सकते। फिल्म की कहानी इतनी फास्ट है, इतने ज्यादा कट्स हैं उसमें कि आपको मजा आ जाएगा फिल्म देखकर। दर्शकों का कहना है दोस्तों कि डायरेक्टर ने अपनी जॉब को बहुत सीरियस तरीके से लिया है, क्या आर्ट डायरेक्शन, क्या प्रोडक्शन, हर एक चीज में ये फिल्म मायने रखती है और अपने आप में एक माइलस्टोन रखती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने कि सुपरस्टार यश का इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शायद ही हिंदी भाषी लोगों ने सुपरस्टार यश की फिल्में देखी होंगी, लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाता है तब यश के धमाकेदार एक्शन सीन्स, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी कातिल आंखें, उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर कोई पसंद कर रहा है इस फिल्म को और स्पेशली सुपरस्टार यश को। तो सुपरस्टार यश के लिए भी दोस्तों दर्शक फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। चौथी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो है दोस्तों फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म में कैमरा एंगल्स जो इस्तेमाल किए हैं। दर्शकों ने ये बात मेरे सामने रखी है कि आज से पहले उन्होंने इस तरीके के कैमरा एंगल, इस तरीके के कट्स, इस तरीके की रेजर शार्प एडिटिंग आज से पहले नहीं देखी है। तो ऐसे में इस फिल्म के अंदर यानी कि KGF के अंदर पूरी तरीके से हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कैमरा एंगल्स हो, चाहे वो अगर बात करें सीन्स पे जंप मारना हो, तो हर एक मामले में, हर एक लिटरली हर एक मामले में फिल्म परफेक्ट बैठती है। और काफी दर्शकों ने तो ये बात कह दी है कि फिल्म की एडिटिंग के लिए और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के लिए जो एडिटर और सिनेमेटोग्राफर है उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली KGF वर्थ वॉचिंग है। लास्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये रखा दोस्तों दर्शकों ने कि फिल्म की कहानी में क्लाइमैक्स पोर्शन बहुत ही ज्यादा मजबूत है और चैप्टर 2 का आगाज होता है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। फिल्म की कहानी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली जब लास्ट में क्लाइमैक्स पोर्शन आता है। क्लाइमैक्स पोर्शन इतना ज्यादा डरावना है, इतना ज्यादा खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप बेसब्री से इंतजार करते हैं पार्ट 2 का, जैसे हमने बेसब्री से इंतजार किया था बाहुबली का। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या दर्शकों ने पॉइंट सही बोले या गलत। कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइए। और KGF आपको कैसी लग रही है ये भी बताइए। और बने रहिए मेरे साथ, आपको अपडेट करता रहूंगा।